एवरीवन, वेलकम बैक टू नन्नू मीना ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आज के ब्लॉग में कुछ कुछ खास चीज़ें हैं, क्योंकि आप भी वो चीज़ कर सकते हो, ऐसी चीज़ें हैं। और कुछ मतलब क्या बोलते हैं, चूल्हे का जो मैं बोल रही थी वो करना है आज मुझे। तो देखती हूँ शाम को मैं आपके साथ क्या शेयर कर पाती हूँ। और आज मैंने नेल पेंट जो थी वो रिमूव कर दिए पूरी की पूरी, क्योंकि महीने में एक दो दिन ऐसे होने चाहिए जब नेल पेंट आपके हैंड्स पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेल पेंट से सारे हाथ के जो नेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज मैंने उसको रिमूव कर दिया है। देखूंगी या तो कल लगाऊंगी या फिर परसों लगाऊंगी। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो मेहंदी लगाई थी उस दिन के बाद मैंने आज हेयर वॉश किया। उस दिन मैंने शैम्पू से हेयर वॉश नहीं किया था, क्योंकि आपको शैम्पू से उस दिन हेयर वॉश करना ही नहीं है। उस दिन मैंने सिर्फ मेहंदी निकाली, मेहंदी निकालने के बाद अच्छे से, फिर उसके बाद एक एग लिया था और एग को अच्छे से बालों में मसाज किया। मसाज करने के बाद में मैंने कंडीशनर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया था। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा कंडीशनर मेरे बालों में जो है वो हो चुका है। और आज उसका रिजल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस दिन तो मैंने शैम्पू से नहीं धोया था बाल, तो इसलिए मेरे को बाल टाइट थोड़े टाइट टाइट लग रहे थे, बट आज थोड़ा ठीक लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट आप देख सकते हो। तो आज का जो व्लॉग है वो है कि थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हाँ, मम्मी से अच्छे मेरे बाल अच्छे हैं। अदिति के बाल ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए आप लोग पूछते हो कि आप लोग क्या लगाते हो फेस पे और क्या बोलते हैं हेयर में क्या लगाते हो, वो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और एक चीज़ बता दूं कि मैं लेके आई हूँ कोकोनट का ऑयल प्योर वाला, जो कि मैं आपको दिखा दूं एक बार, जो कि मेरे हस्बैंड ने मंगवाया है यहीं से। एक चीज बनाएंगी मम्मी, अब देखते हैं बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, वो तो बनाना के अभी पता नहीं है, क्योंकि बनाना आएगी तभी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया था ये रहा ऑयल, जो कि है प्योर मतलब क्या बोलते हैं कोकोनट ऑयल है, ऐसे बोलते हैं यहाँ की जो एक सेकंड आ रही थी, जो यहाँ की जो सिस्टर्स वगैरह होती है ना, मतलब जो यहाँ की लेडीज होती हैं हमारे इसके पापा के हॉस्पिटल में, वो लोग इसको यूज़ करते हैं, तो उनके काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। तो मैं इसको यूज़ करूँगी अदिति के, मेरे और नन्नू के, देखते हैं कितने दिन में इससे बालों में अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर मिलेगा तो मैं पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ी देर बाद में मिलूंगी अभी आप लोगों से, क्योंकि अभी मेरा बाल थोड़ा सा गीला है तो बिल्कुल ड्राई हो जाए। नहीं तो फिर अभी थोड़ी देर बाद में मिलेंगे। नन्नू सो रही है, थोड़ा सा मुझे अर्जेंट काम है एक, वो आपके साथ मैं मतलब उसको सूट करना है मुझे, तो मैंने थोड़ा सा एक कुछ सूट करना है, तो वो शायद इससे पहले चला जाएगा। तो आप लोग मुझे बताना कि वो कैसा लगा। आप लोग खुद स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बकबक ना करते हुए। और आज मैंने डाला है ये वाला सूट, मैं दिखाती हूँ आपको पूरा। तो ये है मेरा आज का ड्रेस, जो कि मैंने लिया था जब नन्नू हुई ही थी। तो ये पूरा नीचे तक है, गाउन टाइप में है, और इसके नीचे पहन रखी है मैंने स्कर्ट, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसका जो पतला कपड़ा है जो पतला लगता है हल्का सा, बट इसकी जो डिजाइन है और इसका जो वो है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा और इसकी जो डिजाइन है वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो आज मैंने ये वाला सूट डाला है, क्योंकि ये सूट नॉर्मल में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसकी डिजाइन वगैरह और इसकी हाथों की जो डिजाइन है आप देख सकते हो यहाँ पे अलग ही दिया, ये फुल है पर मैंने ऊपर करके रखा है इसको इस तरीके से है। वैसे तो ये इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा सूट है, बट मुझे यहाँ तक के ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ जी, बोलो बोलो। और मम्मी इतने बड़े हो गए हैं जो मोबाइल में देख नहीं पाते। हाँ हाँ जी। तो ये है मेरी आज की प्रॉपर ड्रेस, कैसी लगी आपको बताना है। और मुझे तो बहुत प्यारी लगती है ड्रेस मेरी, कैसी लगी आप बताना। सच्ची बता रही हूँ, मेरे बालों का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल भी उलझ नहीं है। अभी मैंने कंघी नहीं करी है हेयर वॉश करने के बाद बिल्कुल भी। अच्छे लग रहा है पर आपके बाल बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहे मेरे जैसे। तो मैंने डाली आज ये वाली चूड़ियां। तो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट ज्यादा बकबक ना करते हुए। आपने पहले भी बोला था, अभी हो रहा है शाम का 5:50 का टाइम और हम लोग आ चुके थे नीचे घूमने के लिए कॉलोनी के अंदर ही। तो अदिति और एक डॉगी था जो रेस कर रहे थे दोनों की दोनों, उसको मैंने सूट करने की कोशिश करी। और हम लोग आ गए हैं छत पे और अब हम लोग देखेंगे हमारा चूल्हा। तो हम लोग जा रहे हैं इसको लीपने के लिए अभी। और अभी सीमेंट यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे।
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो आपको भी बहुत फ़ायदा हो सकता है और मेरे को भी, पर शाम को हुआ ही कुछ ऐसा था जैसे कि बरसात आ गई और मैंने चूल्हा लीपने लग गई थी तो टाइम लग गया था थोड़ा सा। और शाम को इसके पापा का मॉर्निंग ड्यूटी था कल, तो उन्होंने बोला चलो घूमने चलते हैं नीचे, बाहर पैदल पैदल वॉक करने चले गए थे। तो 2-4 दिन में 5 दिन में ऐसा मौका आता है जैसे कि हम लोग साथ में होते हैं और साथ में घूमने जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है बाकी काम बाद में करेंगे, तो आज चलते हैं घूमने के लिए। तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई, पर अगला इसका जो अगला वाला वीडियो आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत इंटरेस्टेड आएगा, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। सॉरी इस ब्लॉग में मैं शेयर नहीं कर पाई, तो आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा, गर्मी नहीं है ज़्यादा, तो अभी हम लोग नीचे मतलब घूम के आए थे ना, उसके बाद बिल्कुल भी सूट करने का मन नहीं किया, सिर्फ चूल्हा लीपा था बस, तो इसलिए लेट हो गए थे, तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो अब से बाद ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट ब्लॉग जो है उसमें मैं पक्का दिखाऊँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो शाम को किया कुछ था, हमने चूल्हे को लीपा था, पोता था, और उसके बाद हुआ कुछ और है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं कोई चीज़ सही करके जाती हूँ ना, हमेशा वो चीज़ कभी ना कभी या तो बच्चे बिगाड़ के चले जाते हैं या कोई और बिगाड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था, पहले भी बताया था कई बार, कि जब भी हम छत धोते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, बाहर सफाई वगैरह करते हैं, तो हमारे साथ एक चीज़ हमेशा हमेशा होती है, या तो बरसात आ जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो शाम को जैसे ही मैंने चूल्हा लीपा, तो लीपने के बाद क्या हुआ मैं आपको बता दूँ, बरसात हो गई और जितना भी मैंने लीपा था या जो भी किया था ना, वो सारा इसमें से चूल्हे में से मतलब लीप के खड़ी हुई थी, और उससे पहले ही बरसात आ गई, सीमेंट सूखा नहीं था बिल्कुल भी। तो क्या हुआ कि बरसात से ना पूरा सीमेंट जो चूल्हे की जो लीपन है वो उतर उतर के नीचे आ गई सारी की सारी, ये आप देख सकते हो। तो हमेशा मैं करती कुछ हूँ और होता कुछ और है मेरे साथ में, तो ये आप लोगों के साथ होता है कि ज़रूर बताना। और ये पक्की बात है, जब भी हम छत को वॉश करेंगे ना, उस दिन ज़रूर बरसात आएगी भयंकर वाली। तो रात को इतनी भयंकर बरसात आई थी कि चूल्हे पर से सारी जो भी सीमेंट है वो उतर चुकी है, तो वापस से लगाऊंगी शायद। और मेरे को लगता नहीं है कि 1-2 दिन में अभी सूख जाएगा, इसको सूखने में भी टाइम लगेगा अभी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपका प्यार इसी तरीके से देते रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना जरूर बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।